हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बरसात की वजह से लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। जिला कांगड़ा के नूरपुर नगर परिषद के तहत आते वार्ड नंबर 9 में बारिश की वजह से भूस्खलन से लगभग 15 घरों को खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। नूरपुर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी बारिश ने काफी ज्यादा नुकसान किया है। नगर परिषद नूरपुर के तहत आते वार्ड नंबर 9 में लगभग 15 घरों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी पर बने इन घरों के आसपास पहले भी कई बार भूस्खलन हुआ और उसे क्रेट वॉल से रोका गया, लेकिन भारी बारिश की वजह से अब ये क्रेट वॉल भी लगातार खिसक रहे हैं, जिससे इन घरों को खतरा पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, वे पूरी रात जागकर गुजार रहे हैं। दरारें आ रही हैं, सारे कमरों में दरारें हैं, नीचे से जमीन जो है बैठती जा रही है। प्रशासन के आगे यही गुहार है कि जहाँ तो हमें जमीन मुहैया कराई जाए 5-5 मरले, जहाँ इसका कंक्रीट के जो डंगे हैं जो नीचे नाले से लगते आए तब भी इसकी रोकथाम हो सकती है। बाकी 16 परिवार हैं, पता नहीं कब क्या होगा या क्या नहीं होगा। जब बारिश आए तो वजन बहुत है ऊपर, ऐसे भी हो सकता है कि सारे के सारे नीचे को चले जाएं। तो सरकार क्या कि यही गुहार है कि हमारे जो मकान है या तो हमारे को जमीन मुहैया करवाएं, या तो इनकी मरम्मत करवा के, या तो नीचे नाले से डंगे जो लगते आए कंक्रीट, तब इसकी रोकथाम हो सकती है। ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਲਓ ਭਾਈ, ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਟੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਦਰਾਰੇ ਆਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੀ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸਿਮਟ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਗਈਆਂ ਮਕਾਨ। ਇਸਕਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੇਡ ਕਰੂਡ ਜੋ ਖਿਸਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਡ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਖਿਸਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿਸਕੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ। मौके का जायजा लेने के लिए एसडीएम नूरपुर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके लिए कार्यकारी अधिकारी को सभी प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो इन परिवारों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। मैंने आज जो है ईओ और जेई के साथ मिलकर और हमारे वार्ड नंबर 9 जो नियाजपुर है उनके पार्षद अश्विनी जी के साथ मिलकर दौरा किया है और स्पॉट इंस्पेक्शन किया। स्पॉट इंस्पेक्शन में ये सामने आया है कि यहाँ पर जो है इस रिज पे 16 परिवार रहते हैं और भारी वर्षा से जो है ज़मीन का स्टाटा जो काफ़ी लूज फ्रजाइल हो गया और लोगों के घर में दीवारें आ गई हैं, दरारें आ गई हैं। और इसमें मैंने विभाग को निर्देश दिया है कमेटी को कि वो फ़ौरन जो है जो पानी की निकासी है उसको प्रॉपर सुनिश्चित करें और जो है इसकी डिटेल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, सो दैट कि आने वाले टाइम में हम इस जो हिल है ये जिसके ऊपर ये नियाजपुर स्थित है इसकी प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाएँ और इस जगह को रहने लायक सुरक्षित प्लेस बनाया जा सके। हम इस जगह को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अगर लगता है कि ये जगह जो है अगर डिपार्टमेंट से मैं इसकी जो है अलग डिपार्टमेंट से भी मैं इसमें रिपोर्ट्स लेने वाला हूँ, टेक्निकल रिपोर्ट्स में लेने वाला हूँ, अगर इस प्रकार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है कि यहाँ पर जो है सुरक्षित रहना संभव नहीं है, तो उस केस में मैं ज़रूर सरकार के ध्यान में लेकर आऊँगा इस बात को और इन्हें शिफ्ट कराने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन अभी ये बोलना बहुत जल्दी होगा कि ये जगह असुरक्षित है, बट इसमें क्रैक्स अलग अलग साइजेस के क्रैक्स हर घर में आ चुके हैं। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।